चलिए अब आइए कि हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मोलर कंडक्टेंस किन-किन बातों पर डिपेंड करता है। 2 मिनट रिवीजन कर लें। देखिए मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला आया था कप्पा इनटू वी, व्हिच इज आल्सो इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बाई मोलारिटी। गेट बंद कीजिए, गेट बंद कीजिए। मोलारिटी, ओके। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हाँ, ये तो पढ़ ही लिया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि मोलर कंडक्टेंस नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है, लिखना नहीं है। तो आपने ये देखा कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा होगी। उसके बाद आपने देखा था साइज ऑफ आयन, जितना साइज बढ़ेगा मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होगा। एक्सेप्शन था एच प्लस एंड ओ एच माइनस। किसी भी केटाइन का मोलर कंडक्टेंस एच प्लस का मोलर कंडक्टेंस किसी भी केटाइन से ज्यादा होगा, उसी तरह ओ एच माइनस का मोलर कंडक्टेंस किसी भी एनायन से ज्यादा होगा। उसके बाद था टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा। दूसरा, चौथा था डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, जो यहाँ से फॉर्मूला है। और थ्योरी भी मैंने समझाई थी कि कंसंट्रेटेड का मतलब होता है मोर भीड़, बटलाव चौक हो जाता है तो वहां आयन्स की कंडक्टिंग पावर घट जाती है। ओके, तो घट जाती है तो मोलर कंडक्टेंस घट जाता है। लेकिन इसी में एक पॉइंट था कि अगर अगर आपके पास सोल्यूशन को डायल्यूट करेंगे तो कप्पा डिक्रीज करेगा। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंडक्टिविटी सॉल्यूशन के कंसंट्रेटेड के साथ साथ क्या होगी, डाइल्यूशन के साथ साथ डिक्रीज करेगी। उसका रीजन ये है कि जितना सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ये आपको बताया गया था। बताइए क्लियर है यहाँ तक? सबको रिवाइज करा दिया मैंने? अरे कुछ तो बोलिए, रिवीजन करा दिया? सबको क्लियर है? सर अब देखिए कि अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आपने पढ़ा कि व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। अरशद अली, तुम तो शायद अरशद अली तुम वही व्हेन अरशद अली तुम जामिया के स्टूडेंट हो, जल्दी बताओ। वेंसडे सैटरडे में आते थे? हाँ, आजम सर ने कहा कि आप कोचिंग छोड़ दिए हैं, फिर आप क्यों आ रहे हैं? उन्होंने कहा रिमूव करने के लिए आपको, फीस जमा नहीं किया आपने। शायद ये है कि आप गुरु, हाँ अरशद अली सही बात है, यस या नो? आप कोचिंग लेफ्ट किया या नहीं, यस या नो? प्लीज आंसर मी। अच्छा, वो दूसरा अरशद है। अच्छा, अब तो जामिया के हैं, वेंसडे सैटरडे में आते थे, अरशद एक ही नाम का था भाई। चलिए खैर, कोई बात नहीं, मैं आजम सर से पूछ लूंगा। चलिए कोई बात नहीं, अब सारे लोग ध्यान दें यहाँ। अच्छा, एक डाउट किसी ने पूछा है, वो ये है एच प्लस में किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। दिमाग नहीं है, किसी भी केटाइन का एनायन से मुकाबला नहीं होगा। केटाइन की कंडक्टिविटी अपनी होती है, एनायन की कंडक्टिविटी अपनी होती है। ओके जाहिद भाई, जितना पढ़ाया जाए उतना ही पढ़ें, तो किसकी ज्यादा होती है? बिहारी हो क्या? केटाइन का मुकाबला एनायन से नहीं होगा। केटाइन की कंडक्टिविटी अलग, एनायन की कंडक्टिविटी। और ऐसे भी दिमाग लगाओ, एनायन की साइज बड़ी है तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। एनायन की साइज बड़ी है तो ऑब्वियसली उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। ओके माई डियर फ्रेंड, थैंक यू। चलिए अब आइए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। टॉपिक डालिए अफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन।
गौर से सुनो, मोलर कंडक्टिविटी, ये यहां तक तो पढ़ चुके थे, लेकिन आगे का लाइन देखो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो अरशद अली आपसे गुजारिश है कि आप मेरे नंबर पर, ये नंबर देखें, आप अपना तस्वीर भेजेंगे और स्कूल का कोई कार्ड भेजेंगे, बिकॉज हमें जो हुक्म दिया गया है उसकी मैं तामील करूंगा, आप मुझे रिपोर्ट दे दीजिएगा। चलिए खैर, तो ये था टॉपिक, टॉपिक डाल लीजिए इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब मैं देख रहा हूं शायद ये बहुत गड़बड़ है कैमरा, बोर्डे पर पढ़ाना बहुत जबरदस्त होता है भाई, ए अल्लाह मुरे घर को सब लोग देख लेगा, यहाँ देखें नजर लग जाएगी। चलिए सारे लोग ध्यान दें, टॉपिक सारे लोग समझ गए, टॉपिक लिख लिया आप लोगों ने, यार आज कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है मुझे, लिख नहीं रहा है बोर्ड पर, शायद था। हाँ वो मालूम है, मैंने तो बहुत बद्दुआ दी है रात में, रो रो के बद्दुआ मांगा मैंने, कोई ठीक नहीं, कहीं कोरोना ना हो जाए उसको। चलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, चलिए मैं पांच, अरे यार यार ही डिस्टर्ब कर रहा है यार उस वक्त से कैमरा ये बिहारी जो है ना फिर भी गिरा, चलो छोड़ो हटाओ। यहां देखें तो चलिए पांच मिनट अच्छे से सुनिएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है कि जब भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, गौर से सुनिए, अगर आपके पास, आप एकदम सीरियस होके सुनिए, 1M NaCl है और 1M, गौर से सुनिए, और एसिटिक एसिड है, क्लियर। तो आपने कल पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस एसिटिक एसिड से ज्यादा होगी। अब गौर से सुनिए, हमने दोनों सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया, दोनों सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया, जल्दी बताओ सारे लोग, स्ट्रॉन्ग की मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी कि वीक की? जब डाइल्यूट करेंगे तो दोनों में किसकी मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी? तो देखिए स्ट्रॉन्ग की, वेरी गुड, बहुत अच्छे, स्ट्रॉन्ग की बढ़ेगी, ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, दोनों की मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी, गौर से सुने क्या लिखाया गया था, व्हेन, अब सुनिए पांच मिनट अच्छे से समझिए, व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों इंक्रीज होगा, बट इंक्रीज होने के वेरिएशन में फर्क होगा, पॉइंट टू बी नोटेड, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी पूछे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या ये इंक्रीज करेगा? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ही होता है वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग,
तो वीक का भी बढ़ेगा और स्ट्रॉन्ग का भी बढ़ेगा, समझ रहे हैं? तो ये आपको याद रखना है। अब आइए क्यों ऐसा होगा। एक तो समझ में आ गया कि भाई जब डाइल्यूट करते हैं तो सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस बढ़ती है, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग, लेकिन बढ़ने के वेरिएशन में फर्क होगा। अब आइए गौर से सुनिएगा, वीक का शार्पली इंक्रीज करेगा तेजी से। क्यों? ये वीक डिसोसिएटेड है, और जब डाइल्यूट करेंगे ये तेजी से बढ़ेगा। स्ट्रॉन्ग तो ऑलमोस्ट डिसोसिएटेड है, डाइल्यूट करने पर इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में ज्यादा का फर्क नहीं होगा, ये स्लोली बढ़ेगा। प्लीज अगेन आई रिपीट, व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज है, चाहे वीक या स्ट्रॉन्ग। चूंकि वीक पार्शियली डिसोसिएटेड हैं तो वो तेजी से इंक्रीज करेगा, स्ट्रॉन्ग तो ऑलमोस्ट डिसोसिएटेड है, वो तो 100% पहले से ही डिसोसिएटेड है, तो वो स्लोली बढ़ेगा, और वीक का शार्पली। तो इसलिए देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अगर कहे कि 1M NaCl और 1M एसिटिक दोनों में मोलर कंडक्टेंस किसका ज्यादा, स्ट्रॉन्ग का, कहेगा डाइल्यूशन का इफेक्ट बताओ, तो ये 1M NaCl पर स्लोली बढ़ेगा, ये शार्पली बढ़ेगा। याद करो K is equal to C alpha square 1 minus alpha, ये किसका फॉर्मूला था, वीक का था। देखिए अल्फा कंसंट्रेशन पर डिपेंड है, स्ट्रॉन्ग का ये फॉर्मूला ही नहीं था। मैं दोबारा अच्छे से दोबारा बताता हूं, गौर से सुने, याद है H plus is equal to C alpha, ये किसका फॉर्मूला था बताओगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। देखो जब डाइल्यूशन करेंगे तो कंसंट्रेशन घटेगा, तो अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा। तो याद रखिए दिस फॉर्मूला, देखिए अल्फा जो है सी पर डिपेंड है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग तो ऑलमोस्ट डिसोसिएटेड है, उसमें अगर चेंजिंग भी आएगी तो स्लोली इंक्रीज होगा, स्लोली इंक्रीज होगा। अब बताइए जो मैंने बात बोला वो सबको समझ में आया, चलिए तब मैं आगे फिर बताऊंगा, यहां तक क्लियर है? बताइए जल्दी से, कोई डाउट है किसी को? खदीजा, खदीजा समझ में आ रहा, खदीजा शेख और खदीजा, दोनों खदीजा को, चलिए अब मैं आपको अच्छे से लिखाता हूं। पहला लिखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पहला लिखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, चलिए कल सुबह की क्लास बोर्ड पर ही लेंगे, सुबह की क्लास, चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारी बैच की क्लास बोर्ड पर लूंगा, चलो चलो कोई बात नहीं है, चलो तुम्हारी क्लास बोर्ड पर लेंगे हम लोग, चलो ठीक है, बात मान लिया, कल सुबह की क्लास बोर्ड पर होगी, चलो हमारी भी ख्वाहिश बोर्ड ही पर थी, लेकिन आजम सर वगैरह कह रहे थे इस पर लेने के लिए, बोर्ड पर मजा भी आता है, अब चलो कोई बात नहीं है। क्या सारे लोग राजी हो बोर्ड के लिए बताओ, फिर बोर्ड पर पढ़ाऊंगा तो मत कहना कि सर उसमें पढ़ाइए, चलो चलो अब जल्दी जल्दी लिखना शुरू करो। व्हेन, अब मैं बहुत अच्छे से लिखा रहा हूं, दो डाउट होगा इसी में क्लियर हो जाएगा। व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, देन मोलर कंडक्टेंस, लिखना शुरू करो कि मैं लिखते ही इरेज कर दूंगा, ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
इंक्रीजेस स्लोली, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट. क्यों? बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड. पहले बताओ, यहां तक लिख लिए, यहां तक लिख लिए सारे लोग? यहां तक एकदम क्लियर है? अच्छे से सच सच बताओ. ठीक, चलो लिख लिए सारे लोग? मेरी इरेज कर रहा हूं अभी, और लाइन लिखूंगा, पहले इरेज कर. चलो आगे भी लिख देता हूं. अच्छा, मैं आगे का लाइन, अरे यार, आगे का लाइन अगर मैं लिखूंगा तो अगर कंफ्यूजन होगा तो तुम को मैं समझा दूंगा. पहले यहां तक लिखो उसके बाद, या पहले मैं ग्राफ से ही समझा देता हूं, रुको वरना तुम लोग पागल हो जाओगे. यहां देखो, लिखना मत, लिखना नहीं है अभी. एक साइंटिस्ट का नाम था, अब देखो दूसरे तरीके से समझो. डी बाई ऑनसेजर इक्वेशन, एक साइंटिस्ट का नाम, उन्होंने एक इक्वेशन दिया था, पाई एम सी इज इक्वल टू, पाई एम इंफिनिटी माइनस बी रूट सी. अब देखो, उससे पहले कि मैं इसको समझाऊं, तुम लोग साइड में एक और कल वाला एक रिमार्क्स छूट गया था. देखो इधर मैं लिखवा देता हूं, गौर से सुनो. तुम साइड में लिख लेना, अभी नहीं, पहले समझाने दो. इनफाइनाइट डाइल्यूशन, गौर से सुनो. अभी आपने पढ़ा कि जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, शाफिद, एक लाइट जला दे वाली, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होता है. इंक्रीज होते 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 इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम होती है. प्लीज सुनिए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब, इट मींस सॉल्यूशन इज सो डाइल्यूट, इट मींस सॉल्यूशन इज सो डाइल्यूट एट विच मोलर कंडक्टेंस molar conductance of electrolyte एक मिनट एट विच मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज मैक्सिमम. ये साइड में कहीं पर लिखो तुम लोग. Infinite dilution, it means solution is so dilute at which molar conductance of electrolyte is maximum and do not increases on further dilution. बताओ यहां तक सबको समझ में आया इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब? जल्दी बोलो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब. आपको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा, इनफाइनाइट पर मैक्सिमम होगा. नीचे रीजन भी लिख लो, बिकॉज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिसोसिएशन of electrolyte is 100%. ये लिख लो, इसलिए मैक्सिमम होगा. जल्दी लिख लो.
बोलो लिख लिए। अब देखो अभी एक अभी कुछ अब उसके बाद नहीं लिखना कुछ प्लीज। डी बाई ऑनसेजर इक्वेशन के मुताबिक गौर से सुनो, पाई एम सी इज इक्वल टू पाई एम इन्फिनिटी माइनस बी रूट सी, ये आपके पास इक्वेशन है। अब देखो इधर गौर से सुनना, इफ यू ड्रॉ द ग्राफ प्लीज, जो अभी मैंने बोला कि व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस स्लोली। अब देखो यहाँ इफ यू ड्रॉ द ग्राफ रूट सी, यहाँ कहीं पर सी हाफ लिखा रहेगा, यहाँ कहीं पर मोलारिटी हाफ। गौर से देखो लिखना मत, ये है कंसंट्रेशन है। अगर बताओ मैं उल्टा कर दूंगा तो डाइल्यूशन हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलो। अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो डाइल्यूशन हो जाएगा कि नहीं, यस या नो? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सारे लोग देखो दोबारा। अब देखो केमिस्ट्री या फिजिक्स ये कहता है अगर कोई चीज स्लोली इंक्रीज होगी तो देखो इधर ग्राफ से भी, चलो उतना क्या देखना है, ग्राफ से देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पर y क्या है देखो पाई एम सी है, लिखना मत अभी प्लीज। स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, देख लो। तो ग्राफ जो आएगा स्ट्रेट लाइन, देखो इधर, इसका मतलब सुनो कंसंट्रेशन के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है, लेकिन बताओ डाइल्यूशन के साथ, देखो कंसंट्रेशन के साथ करोगे तो ये एरो बनाओगे, कंसंट्रेशन के साथ डिक्रीज कर रहा है। अगर एरो ऐसे बना दिया जाए तो देखो डाइल्यूशन के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। ग्राफ सबको समझ में आया? बोलो ना ग्राफ समझ में आया? दोबारा देखो तो यही तो देखो, इसमें दोनों बातें हो गई, कंसंट्रेशन के साथ साथ घट रहा है और डाइल्यूशन के साथ साथ बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ किसका होगा? गौर से सुनो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब ध्यान दो, तो तुम जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में लिखे हो, अभी लिखना मत, जो मैंने अभी लिखाया था, अब मैं जो लिखा रहा हूं, मैंने जो लिखाया था व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस स्लोली बिकॉज इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। तो गौर से सुनो, अब पहले देखो ड्यू टू विच पाई एम वर्सेस रूट सी इज लीनियर, देयरफोर गौर से सुनो, देयरफोर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, घबराना मत मैं बताऊंगा, ऑब्टेन डायरेक्टली, जहां पर पॉइंट खत्म किया हो, डायरेक्टली का मतलब हुआ बाई एक्स्ट्रापोलेशन। अब देखो तुम लोग गौर से सुनो, मैं ग्राफ को दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान देना। देखो स्ट्रेट लाइन है, अब देखो इधर स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं
ऐसे ड्रॉ करूं तो बताओ यहां पर जो वैल्यू होगी मोलर कंडक्टेंस की मैक्सिमम है कि मिनिमम है, जल्दी बताओ। इस पॉइंट पर मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम है कि मिनिमम है? हाँ, तो इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इन्फिनिटी। क्या कहेंगे? इन्फिनिटी। जहां पर मोलर कंडक्टेंस मैक्सिमम होता है हम उसको इन्फिनाइट कहते हैं, जहां पर मोलर कंडक्टेंस मैक्सिमम होता है उसको इन्फिनाइट। तो अब देखो एक दफा और प्लीज 2 मिनट सुन लो, अब उसके बाद लिखना शुरू करना। हम लोग ये पढ़ रहे हैं 2 मिनट एकदम प्लीज, कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आपने अभी पढ़ा कल पिछली क्लास में कि जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो मोलर कंडक्टेंस वीक का भी बढ़ेगा स्ट्रॉन्ग का भी बढ़ेगा, बढ़ने के वेरिएशन में फर्क होगा, ग्राफ अलग अलग आएगा। तो आपको पहला स्ट्रॉन्ग के बारे में बताया जा रहा है कि व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस स्लोली। कोई कहे क्यों? तो कहे बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड, ड्यू टू विच ग्राफ बिटवीन पाई एम वर्सेस रूट इज लीनियर। ये सेकंड पॉइंट। उसी में दूसरा कि जब लीनियर है तो हम ग्राफ से ही मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट मालूम कर सकते हैं, जो आपको अभी पीछे की तरफ टच करके दिखाया गया। कोई भी कहे कि मोलर, 3 बातें, नंबर 1 स्ट्रॉन्ग के बारे में स्लोली इंक्रीज, ग्राफ इज लीनियर, अब मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑब्टेन डायरेक्टली बाय एक्सट्रापोलेशन। एक्सट्रापोलेशन मींस ग्राफ। अब तुम लोग लिखो पूरा जल्दी से, लिखो लिखो। इसमें बी क्या है वो मैं लिखाया नहीं हूं, मैं बी लिखा दूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी मैं लिखा दूंगा। कल सुबह की क्लास बोर्ड पर होगी इंशाल्लाह 8:45। अच्छा देखो, कल तुम लोग गैल्वेनिक सेल पूरा पढ़ के आओगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से पहले तक, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से पहले तक रिवाइज करके आओगे। ईशान, मम्मी बाथरूम में नहीं है, अभी आ रही है। बताओ लिख लिया सारे लोग? उस्मान, अलीशा समझ में आ रहा, नगमा, आकिब, मरियम फिरोज, इकरा, फातिमा, बिलाल, लिखना बी इज द कॉन्स्टेंट। Which depends upon nature of electrolyte. And charge present on ion. ये लिख लो सारे लोग। पहले बताओ लिख लिए? मैं मिटा, मैं इरेज कर दूं, जल्दी बोलो। तो स्ट्रॉन्ग के बारे में 3 इंफॉर्मेशन, व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस स्लोली, नंबर 1। नंबर 2, ग्राफ लीनियर होगा। और तीसरी बात कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन
डायरेक्टली ऑब्टेंड होगा, बोलो लिख लिए। चलो अब बी पार्ट लिखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक लाइन छोड़ के वीक लिखो। व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, रात को लगा, देन अभी समझा दिया था मोलर कंडक्टेंस, इंक्रीजेस शार्पली, तेजी से बढ़ेगा, बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट इज पार्शियली डिसोसिएटेड, पार्शियली डिसोसिएटेड। Due to which graph of pi m versus root c is not linear, therefore जब linear नहीं है तो therefore molar conductance at infinite dilution is not obtained directly. पहले बताओ सबको समझ में आया, जब ग्राफ लीनियर ही नहीं है, देखो लीनियर होगा तो आप ग्राफ को टच करा के मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, बताओ सच सच बताओ पूरा अच्छे से समझ में आया कि नहीं। देखो वीक और संडे इज द लास्ट क्लास ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मंडे को केमिकल काइनेटिक्स शुरू होगा। अरे सॉल्यूशन का रिवीजन खत्म हो गया, कितना क्वेश्चन, कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन होगा, कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से पहले तक का पढ़ के आएंगे 8:45 और 9:15 रेगुलर क्लास होगी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होगी देख कर आएंगे, उसी से डाउट क्लियर होगा। अब देखिए अगर आपके पास पाई एम है रूट सी है सी हाफ या एम हाफ, तो ग्राफ जो आएगा वो इस तरह का आएगा, समझा, लीनियर नहीं होगा शार्पली। जब ग्राफ, जब कोई भी डाटा, जैसे आप ग्राफ में भी, आप लैब में भी जाएंगे, दो है, एक 20 आ गया, एक 35 आ गया, एक 65 आ गया, तो ग्राफ कभी लीनियर नहीं आएगा। और एग्जामिनर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है पाई एम सी रूट सी ऐसे बना दे और ऐसे बना दे, और कहेगा बताओ ए और बी क्या है, तो बी बोलोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ए बोलोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है।
उसमें ड्राइंग सही से होती ही नहीं है। बताओ, बना लिए ड्राइंग? बताओ जल्दी से। अब देखो प्लीज, सारे लोग गौर से सुनो, किसी को डाउट है तो बोलो। अरे यार डिस्कनेक्ट हो गया तो मैं क्या रिवाइज करता रहा हूं यार, सारे बच्चों की अपना वीडियो देख लेना, बिहारी है क्या? डिस्कनेक्ट, सब डिस्कनेक्ट हो जाएगा। एक तो ऐसे ही लेट हो गया आज। यहां देखें सारे लोग, दूसरा टॉपिक गौर से सुने। कि मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन का गौर से सुनो। स्ट्रॉन्ग का तो आप निकाल सकते हैं, अब आया वीक इलेक्ट्रोलाइट का, आप कैसे निकालेंगे? प्लीज सारे लोग सुनिएगा। क्योंकि वीक का जब डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं तो कहा गया आप इनडायरेक्टली निकाल सकते हैं, इनडायरेक्टली। और उसको कहते हैं कोहरोज लॉ, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। कोहरोज लॉ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं दोबारा बोल रहा हूं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज नॉट ऑब्टेन डायरेक्टली। वी कैन ऑब्टेन, ऑब्टेन कर सकते हैं इनडायरेक्टली बाय द हेल्प ऑफ लॉ। इसीलिए आप नेक्स्ट टॉपिक डालिए सारे लोग, कोहरोज लॉ। विच इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। बहुत आसान लॉ है, तब फिर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। सारे लोग सुनो, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सुबह मिस मत करना। लेकिन जितना पढ़े हो वो सब खराब हो जाएगा, याद रखो। सैटरडे को बहुत कम बच्चे आते हैं, गलत बात है। जब आईटी और नीट के बैच में हो, बताओ कितना पीएचडी हो रहा है। पहले बताओ, लिख लिया टॉपिक? सारे लोग गौर से सुनो, गौर से सुनिए कि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। कोई भी पूछे मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट स्ट्रॉन्ग और वीक में किसका डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग का। वीक का डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं होता, डायरेक्टली का मतलब होता है ग्राफ। आप ऑब्टेन कर सकते हैं इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ द लॉ। लॉ बहुत आसान है, ये याद रखें। इसीलिए आप देखो, लॉ का स्टेटमेंट मैं तुम्हें समझाता हूं। लॉ क्या कहता है देखो, उन्होंने ये कहा कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मान लो ये ए और बी है। अभी क्या बताया गया, इनफाइनाइट का मतलब होता है 100% डिसोसिएशन। प्लीज गौर से सुनना कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जब वाटर के अंदर जाता है तो ए प्लस और बी माइनस में ब्रेक करेगा। तो केटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ऐसे ही डाइल्यूट किया तो आपने पढ़ा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा। क्यों कमजोर होगा? चूंकि केटायन और एनायन की बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। डाइल्यूट करते रहो करते रहो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, तो देखिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर होगा ये कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर केटायन और एनायन के बीच का
में किसी पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। गौर से सुनो, सॉल्यूशन को जब डाइल्यूट करोगे डिस्टेंस बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, लेकिन इनफाइनाइट पर देयर इज नो इंटरआयनिक इंट्रैक्शन, इंडिपेंडेंट। इसलिए लॉ का नाम देखो इंडिपेंडेंट माइग्रेशन है, केटायन पर ना एनायन का इफेक्ट होगा, एनायन पर ना केटायन का इफेक्ट होगा। मतलब ये समझो कि दोनों नॉन रिएक्टिव होगा। हाँ, इनफाइनाइट के अलावा कोई डाइल्यूशन होगा तो कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेकिन इनफाइनाइट पर ईच आयन मूव्स इंडिपेंडेंटली, देयर इज नो इंटरआयनिक इंट्रैक्शन। बताओ ये अपना मोलर कंडक्टेंस कंट्रीब्यूट करेगा, ये अपना मोलर कंडक्टेंस कंट्रीब्यूट करेगा। तो याद करो, ध्यान दो, इसी को लॉ ऑफ खराश लॉ कहते हैं। मतलब ये लिखना मत कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट पर केटायन और एनायन के सम के बराबर होगा, बस इसी को लॉ कहते हैं। कोई कहेगा सम के बराबर क्यों होगा, इसलिए होगा सम के बराबर कि देयर इज नो लड़ाई, इनफाइनाइट पर कोई लड़ाई नहीं है। जैसे 11th का डाल्टन्स लॉ तुम पढ़े थे ना, कि किसी कंटेनर में दो गैस है तो टोटल प्रेशर दोनों के सम के बराबर होगा, लेकिन कंडीशन डाली गई थी कि दोनों नॉन रिएक्टिंग हो, दोनों नॉन रिएक्टिंग हो। वही हाल यहाँ पर है कि इनफाइनाइट पर केटायन और एनायन के बीच में कोई इंटरआयनिक इंट्रैक्शन नहीं, इजिली मूव कर रहा है। तो गौर से सुनो, लिखना मत, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, गौर से सुनो, देयर इज नो इंटरआयनिक इंट्रैक्शन, नो इंटरआयोनिक इंट्रैक्शन। प्लीज सुनो लैंग्वेज को, एंड जब अट्रैक्शन नहीं है तो क्या होगा, एंड ईच आयन मूव्स इंडिपेंडेंटली। देन अब लॉ क्या कहता है, अब यहां से लिखेंगे, गौर से सुनो, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, गौर से सुनना प्लीज सारे लोग, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स कंट्रीब्यूटिंग आयन। सुनो, जब एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आएगा के कोहराश लॉ लिखें, तो यहां से लिखोगे द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट लिखना है। ये ऊपर का लाइन समझने के लिए लिखा गया, क्यों सम होगा, तो रीजन बता दिया गया कि इनफाइनाइट पर देयर इज नो इंटरआयनिक इंट्रैक्शन, देयर इज नो इंटरआयनिक इंट्रैक्शन, ईच आयंस मूव इंडिपेंडेंटली। जब एग्जाम में कोहराश लॉ लिखने को आए तो यहां से लिखेंगे। बताओ ये कोहराश लॉ का स्टेटमेंट सबको समझ में आया, तो टाइप करो यस या नो। हिबा खान, आपको समझ में आ रहा है, हिबा खान क्या आप लोगों ने लिख लिया, जल्दी बताइए।
तो यहां तक आपको याद रखना है, अभी इस पर क्वेश्चन बहुत होंगे, तो याद रखिएगा आप कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी कंपाउंड की जो मोलर कंडक्टेंस होगी वो उसके आयन्स के मोलर कंडक्टेंस के सम के बराबर होगी। अब देखिए एक चीज और मैं लिख देता हूं कि कहीं कहीं पर ये लिखा रहेगा, नोट प्लीज सुनो, इस लाइन को लिखना मत, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इज, ये नाम याद रखना, इज ऑल्सो कॉल्ड लिमिटिंग, लिमिटिंग क्यों लिमिट कहा गया, चूंकि इनफाइनाइट के बाद बढ़ेगा नहीं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। याद रखना हमेशा कि मोलर एन लेमडा एम इंफिनिटी या दोनों से डिनोट करते हैं इसको, हम ये भी कह सकते हैं लिमिटिंग, जब भी कोई जरूरी नहीं कि इनफाइनाइट का वर्ड कहे, जहां पर भी न्यूमेरिकल में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखा हुआ हो तो तुम समझ जाना कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात हो रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, याद रखो, नाम पे कंफ्यूज मत होना। बोलो बोलो आया कि नहीं सबको समझ में, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। सच सच बोलिए आया कि नहीं। बोलो अरशद अली, आज अपना पूरा, आप अपना नाम स्कूल नेम मुझे व्हाट्सएप करेंगे प्लीज। इसीलिए देखो, इसलिए किसी बुक में कोहराश लॉ को ऐसे भी लिखा जाता है, द, लिखना शुरू करो ऑल दूसरी लैंग्वेज में, द लिमिटिंग मोलर और करके, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ केटायन एंड एनायन, दोनों लैंग्वेज एक ही है, बताओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज था कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे, ये लाइन याद रखना। तो इसको कहीं कहीं पर इस तरह भी लिखते हैं कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ केटायन। उसको मैंने एग्जाम में, तुम इस फॉर्म में लिखोगे तो ज्यादा बेहतर है, उसी को मैंने लैंग्वेज में भी लिखा दिया, कोई भी पूछे एक लाइन में तो डायरेक्ट कहो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपने आयन्स के मोलर कंडक्टेंस के बराबर होता है। कोई तुम्हें कंफ्यूज करेगा कि भाई केटायन एनायन में तो अट्रैक्शन होता है, यह अट्रैक्शन होता है लेकिन इनफाइनाइट पर कोई अट्रैक्शन नहीं होता, जो मैंने पिछले वाले में रीजन के साथ आपको लिखाया। बोलिए आया सबको समझ में?
ये लिख लिया आप लोगों ने, जल्दी बताइए। अब देखिए यहाँ पर लेमडा एम इन्फिनिटी, गौर से सुनो, ए बी है, गौर से सुनो अच्छे से। तो लॉ ये कहता है, आप सुनो अच्छे से, ए प्लस एंड बी माइनस, समझा? गौर से सुनो, अगर तुम्हारे पास ए टू बी थ्री, आप इसको समझो, इसको समझ जाए तो सबको समझ जाओगे, कितने ए हैं तो दो, उसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को भी लोगे, ए पर प्लस टू प्लस थ्री इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ बी टू माइनस, दिस इज द आंसर। अब जैसे देखो, एकदम अभी लिखना मत, जैसे तुम्हें कहे लेमडा एम एन ए सी एल, तो क्या लिखोगे? कुरोश लॉ से लेमडा इन्फिनिटी एम एन ए प्लस प्लस लेमडा एम इन्फिनिटी सी एल माइनस। अगर आपसे कोई पूछे लेमडा एम ए एल टू एस ओ फोर थ्री, कैसे लिखेंगे? तो कहना थ्री इंटू लेमडा एम एल प्लस थ्री, सॉरी टू टू प्लस थ्री इंटू लेमडा एम इन्फिनिटी एस ओ फोर टू माइनस, जो भी कोफिशियंट होगा उसको लिखा जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे लेमडा एम इन्फिनिटी सी ए सी एल टू का बताएं, तो आप कहेंगे लेमडा एम इन्फिनिटी सी ए प्लस टू प्लस टू इंटू लेमडा एम इन्फिनिटी सी एल माइनस। होप आपको समझ में आया होगा कैसे कोहराश लॉ को लिखा जाएगा। सारे स्टूडेंट को आया होगा, कोई स्टूडेंट शिकायत नहीं कर सकता। जल्दी बोलो 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 बोलो। क्या डाउट है मैं देख लेता हूँ भाई। सर पावर टू क्यों लिखी लिखा है, लिखी कहाँ कहाँ पावर टू है? पावर कहाँ है? मल्टीप्लाइड है कोफिशियंट, पावर कहाँ? वो तो चार्ज लिया गया है ना भाई, ये दो नंबर टू इंटू है, पावर नहीं है, कहाँ पावर मैंने लिखा है भाई? सही तो है सब कुछ, सेकंड वाले में टू इंटू, अच्छा हाँ यहाँ पर थ्री प्लस हो सकता, चार्ज थ्री प्लस, ये पावर थोड़ी ना, ये चार्ज है, यहाँ है टू इंटू लेमडा दिस, थ्री इंटू लेमडा दिस। हाँ थ्री प्लस है, ये थ्री प्लस लिख लीजिए। हाँ तो पावर थोड़ी ना कहिए, अल्लाह ताला ने अकल नहीं दिया, कहिए चार्ज चार्ज चार्ज, बोलने भी नहीं आता है। सुआलिहा शमीम को समझ में आ रहा है? मुत्तहरा सादिया राबिया रहबर रहबर बाबू बोलिए। चलिए अब आइए, गौर से सुनिएगा अच्छे से। हाँ अनस खान, रेगुलर रहो अनस खान। अब इस पर एप्लीकेशन, इंशाल्लाह तुम हमेशा बोलते रेगुलर नहीं रहते हो। एप्लीकेशन ऑफ कुहरोज लॉ,
पहला टू डिटरमाइन द टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। गौर से सुने अच्छे से, कुरोश लॉ की मदद। देखिए स्ट्रॉन्ग का तो निकाल ही सकते हैं, वीक का भी निकाल सकते हैं। गौर से सुने, अब इस पर क्वेश्चन बहुत गजब आते हैं क्वेश्चन सब। टू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। पहला पहले लिखे कि नहीं लिखे सारे लोग? कल सारे लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख कर आएंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से पहले तक शाकिर अली खान, समझ में आ रहा शाकिर? तबस्सुम, अलीजे, मोहम्मद जैद, मोहम्मद जाहिद, नगमा, ये लिख लिया यहां तक? चलिए अब सुनिए, इस पर पहले क्वेश्चंस करते हैं, गौर से सुनो अच्छे से। पहले एक चीज मैं लिखा देता हूं, तुम्हें कोई कंफ्यूज करेगा, सुनो अच्छे से। ऐसे तो कंफ्यूज है ही हो कि एक स्टूडेंट लिखती है एक केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी क्या, बताइए। मैं कितनी दफा समझा चुका हूं कि भाई लेट हो तो भाई, एक तो भाई वेट करना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, अरे यार तुम कोचिंग चल के आ रहे हो क्या, ओखला हेड पर आ रहे हो, घर पे बैठे हैं, क्लास होगी तो होगी। तो लिखती क्या है कि केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी और सबको कंफ्यूज करेंगे। ये बिहारन जो है ना, दिमाग नहीं है इसके पास, देव समाज की है ना, अब फातिमा की सबसे अच्छी दोस्त है फातिमा की, मैं जानता नहीं हूं, सबको मालूम है मुझे, सबकी आवाज पर, सबके पर मैं पीएचडी किया हुआ। अब देखें सारे लोग, प्लीज सुनिए, पहले कंसेप्ट एक बार सुनो। तुम्हें कोई कहेगा कि सर जब वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोसिएटेड है तो हम दोनों आयंस का सम क्यों लिख सकते हैं? अभी लिखोगे नहीं जो मैं लिखने जा रहा हूं, एट, लिखना मत इसको अभी, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, behaves as a strong electrolyte। चूंकि dilute करते हैं तो dissociation बढ़ता है, तो याद रखना, कोई तुम्हें confuse करेगा कि सर weak तो partially dissociated है, फिर भी आप दोनों आयन का सम क्यों ले रहे हैं? तो आप कहिए infinite करते हैं तो dilution करते हैं, तो जब dilution increase होता है ना, dilution जब करते हैं तो alpha बहुत तेजी से बढ़ता है, किसका? तो weak electrolyte का। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, और इसको आप क्या करेंगे, मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना है आपको। इस लाइन को लिखकर आप ब्रैकेट में क्लोज कर लें, वरना आपको कंफ्यूजन होगा कि जब वीक पार्शियली डिसोसिएटेड है तो फिर सम क्यों ले रहे हैं। जैसे एक मिसाल, अभी लिखना नहीं, सुनो अच्छे से। जैसे लेमडा एम सी एस थ्री ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो बताया था ना ये वीक है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी आप इस तरह लिख सकते हैं। कोई कहेगा क्यों लिख सकते हैं, आयनाइज तो नहीं हो रहा ये पूरी तरह, कहिए हो रहा है, इसलिए ऊपर देखो इनफाइनाइट लिखा हुआ है। कोई कहे क्यों आपने लिखा, वीक का सम क्यों लिखा,
तो कहिए कि स्ट्रॉन्ग वीक भी बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, ये पूरी तरह ये भी डिसोसिएट हो जाता है। बोलिए बोलिए, आया कि नहीं सबको समझ में? बोलिए बोलिए। इसलिए कोहराश लॉ की मदद से, कोहराश लॉ की मदद से वीक का निकालेंगे। कोई कंफ्यूज करे कि वीक पार्शली डिसोसिएटेड होता है फिर भी आप क्यों निकाल रहे हैं, आप उनको कहिएगा कि इसलिए निकाला जा रहा है बिकॉज वीक भी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव्स करता है। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने अब तक? हाँ, ऐसा करता हूँ मैं चारों एप्लीकेशन नोट कर देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि अभी मैं कराऊंगा ना क्वेश्चन तो फिर नोट्स खराब हो जाएंगे। मैं चार एप्लीकेशन लिखा देता हूँ, फिर एक साथ क्वेश्चंस करा देंगे, वरना फिर नोट्स में परेशानी होगी। ओके, पहला एप्लीकेशन टू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। अब देखो सेकंड एप्लीकेशन to determine the, देखो degree of dissociation, very important, degree of dissociation। देखो आयनिक इक्विलिब्रियम का इस चैप्टर अभी इस वाले पार्ट में बहुत इंफॉर्मेशन है, पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में। टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो स्ट्रॉन्ग का क्यों नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो ऑलमोस्ट डिसोसिएटेड होता है। इसका अल्फा का फॉर्मूला होता है, सुनो अच्छे से, लेमडा एम सी डिवाइडेड बाई लेमडा एम इन्फिनिटी, दिस इज द फॉर्मूला। और बताओ लेमडा एम सी कैसे निकालते हैं? तो पढ़ चुके हो कप्पा इन 2000 बाई मोलारिटी, इसी पर न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। शाकिर अली खान वीडियो ऑफ करें अपना, आपका घर दिख रहा है, छत गुलाबी छत, उजला छत, वाइट एंड गुलाबी। लिख लिया? बोलिए, न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, बताओ लिख लिए जल्दी बताओ। तो टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तीसरी एप्लीकेशन टू डिटरमाइन द डिसोसिएशन, सारे लोग बताओ डिसोसिएशन कांस्टेंट को क्या चीज से डिनोट करते हैं, जल्दी लिख कर देखा डिसोसिएशन कांस्टेंट को। हाँ, और याद है के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लेमडा एम सी बाई लेमडा एम इन्फिनिटी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, सॉरी, तो लिख सकते हैं वन माइनस लेमडा एम सी बाई लेमडा इन्फिनिटी। क्लियर है? अरे जल्दी लिखो जल्दी, अरे लिख लिए जल्दी लिखो। बोलो लिख लिए, घबराओगे नहीं न्यूमेरिकल से, अभी तुमको एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे न्यूमेरिकल। एक लास्ट एप्लीकेशन टू डिटरमाइन द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। देखो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पढ़े थे कि नहीं? ये वाला फोर्थ एप्लीकेशन बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, 1, 2, 3 बोर्ड के सिलेबस में है, कॉम्पिटिशन में तो आएगा ही, फोर्थ एप्लीकेशन कॉम्पिटिशन में आता है। टू डिटरमाइन द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी सॉलिबिलिटी ऑफ, एक मिनट
to determine the solubility of springly soluble salt. Springly का मतलब partially. Partially का मतलब यो कि इतनी कम है कि उसको आप infinite dilution कह सकते हैं. अब देखो एक मिनट, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? लेमडा एम सी सेकन टू कप्पा इन 2000 पढ़े थे मोलारिटी. गौर से सुनो अच्छे से. तो यहां से मोलारिटी, गौर से सुनो प्लीज. यहां देखो मोलारिटी इज इक्वल टू कप्पा इन 2000 बाई लेमडा एम सी, सॉरी लेमडा एम सी. अब मोलारिटी को हम मोल पर लीटर लिखते हैं, इसी को हम कहेंगे सॉलिबिलिटी. तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट पर फार्मूला? कप्पा इनटू 1000 बाई लैम्डा एम इनफिनिटी. ये फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे जब सॉलिबिलिटी कहेगा तो. समझा? ये याद रखोगे. अब हम तुम्हें क्वेश्चंस करा रहे हैं, घबराओगे मत. ये सी है. लिख लिया? बोलिए. हाँ, कल बोर्ड पे पढ़ाई होगी भाई. चलो क्वेश्चन नंबर वन, एक क्वेश्चन करके मैं छुट्टी दे दूंगा. चलो यहां तक पूरी थ्योरी हो गई, जितना मैंने पढ़ाया कंडक्टिविटी ये सब थ्योरी खत्म. मेन पार्ट इस चैप्टर का खत्म. अब थोड़ा सा पार्ट है वो संडे की क्लास में होगा, कल. हाँ कल होगा, और कुछ बचा कुछ संडे को होगा. लेकिन हम केमिकल काइनेटिक्स मंडे को ही शुरू करेंगे. समझा? ये क्वेश्चन मैं खुद करूंगा, पहले लिखो जल्दी से. बताइए, लिख लिया? चलो इस क्वेश्चन को प्लीज सारे स्टूडेंट देखो, प्लीज सारे स्टूडेंट देखो, सारे लोग. कि कैसे करेंगे? पहले देखो प्लीज सारे लोग, एसिटिक एसिड है. पहला काम इसको आयंस में, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं. सारे लोग देखो, लेमडा एम मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन. सारे लोग देखो, प्लस लेमडा एम एच प्लस. देख और से सुनो, पहला काम इस तरह लिखेंगे. देखा ये गया कि देखो न्यूमेरिकल में क्वेश्चंस में ना इसकी वैल्यू दी हुई, अगर इसकी वैल्यू दी होती, इसकी वैल्यू दी होती, दोनों को ऐड कर देते,
प्लीज सुनो अच्छे से, ये दोनों वैल्यू नहीं दिया, मतलब इस टेबल की मदद से निकालनी है। तो देखो कैसे लिखोगे, गौर से सुनना। एसीटेट आयन किससे आएगा, तो ऊपर वाले से आएगा, देखो गौर से सुनो। लेमडा एम इनफिनिटी, बताओ सी एस थ्री कूना से आएगा, प्लस एच प्लस किससे आएगा, एस सी एल से। प्लीज सारे लोग सुनना। हमें सिर्फ चाहिए सी एस थ्री कू और एच प्लस। देखा ये क्या कि इसमें एन ए और सी एल माइनस एक्स्ट्रा रहा है, तो हम माइनस कर दें, यहां पर माइनस कर दें लेमडा एम इनफिनिटी एन ए सी एल। बताओ यहां तक आया कि नहीं, सबको समझ में, जल्दी बोलो। ये जो मैंने लिखा ये समझ में आया, सब लोग बोलना। अभी प्रैक्टिस बहुत होगी इस पर, घबराना मत। अभी मैं दोबारा समझा देता हूं। क्लियर है? अच्छा रिपीट कर देता हूं, रिपीट रिपीट। देखिए जब पहले गौर से सुनिए, रिपीट कर देता हूं। जब भी कहा गया पहले तो ये से, मैं जिस पर लगा रहा हूं रेड निशान, पहले बताओ ये यहां तक समझ में आया होगा सबको, यस या नो, जिन्होंने रिपीट करने को कहा है, ये तो समझ में आया होगा। अब देखो एसीटेट आयन, एसीटेट आयन किससे आएगा, तो ऐसा एसीटेट आयन किससे आएगा, सी एस थ्री कूना से। एच प्लस किससे आएगा, एस सी एल से। कुछ सोचो, जब एसीटेट ये पूरा लिखोगे, ये पूरा लिखोगे, तो हमें एन ए प्लस और सी एल माइनस नहीं चाहिए, तो ये माइनस लेमडा एम एन ए सी एल कह दिया गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, दिस इज द आंसर। बोलो आया सबको समझ में, बोलो आया कि नहीं सबको समझ में, जल्दी बोलो। बोलिए आया कि नहीं, चलिए नेक्स्ट क्लास में कल मुलाकात होगी 8:45। वाखरुद्दमाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इतना पढ़ के रखेंगे आप।